ब्रिटिशकालीन प्रोटेस्ट चर्च को देखने आए राजस्थान क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ने चर्च की जर्जर अवस्था पर जताई चिंता। बांदीकुई रेलवे कॉलोनी में स्थित ब्रिटिशकालीन प्रोटेस्ट चर्च को देखने और प्रार्थना करने पहुंचे राजस्थान क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप एडविन ने जर्जर होते चर्च को देखकर अफसोस जताया। किसी समय बांदीकुई में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह चर्च आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। चर्च की अधिकांश छत टूट चुकी है और चर्च जर्जर अवस्था में आ गया है। हालांकि इस चर्च को देखने के लिए बाहर से पर्यटक यहां आते रहते हैं। संदीप एडविन ने चर्च की जर्जर हालत को लेकर कहा कि वे समाज के लोगों वे डायोसिस ऑफ राजस्थान विराप दरबार द्वारा चर्चा कर सरकार से इस चर्च के जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास करेंगे। आइए क्या कहते हैं संदीप एडविन, देखते हैं बांदीकुई से ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम संदीप एडविन है और मैं राजस्थान क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और सेंट एंड्रयूज चर्च जयपुर का भूतपूर्व सचिव हूं। यहां पर हम लोग हमारे कुछ साथियों के साथ आज इस चर्च को देखने आए हैं। मीडिया के माध्यम से हमें पता पड़ा कि ये जो बहुत खूबसूरत चर्च है इसकी इस तरह से अनदेखी और दुर्दशा हुई है, तो हम लोग आज संडे के दिन हम लोग यहां पर आए हैं क्योंकि संडे के दिन ईसाई समाज चर्च जाता है और प्रार्थना करता है। तो आज हम लोग जयपुर से यहां पर प्रार्थना करना है, पर दुर्भाग्यवश यहां पर गेट बंद है। और इस चर्च को देखने के बाद लगता है कि समाज को हमको बात करनी चाहिए। हम लोग इस चर्च के विषय में सरकार से और हमारे जो डायसिस ऑफ राजस्थान है वहां से बात करेंगे और उनको हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनको वो अपने प्रयासों को तेजी लाएं ताकि इस चर्च का वापस से पुनरुद्धार हो सके, इसमें वापस से आराधना और स्तुति हो सके, इस खूबसूरत चर्च में वापस से जान आ सके। धन्यवाद।